22 वर्षीय रोहिताश चंद्रा ने यूनिवर्सिटी लेवल पर साहित्य की पढ़ाई तो नहीं की, मगर इनकी कविताएं कुछ और कहती है। अपने कलम से वे वही लिखते हैं जो वे अपने आसपास देखते हैं, और अभी तक इन्होंने दो किताबों को रस भरी कविताओं से कलमबंद किया है। रोहिताश के बारे में जो दर्शकों को चकित करेगा, एक तो है उनकी उम्र और दूसरा इतने छोटे से उम्र में हासिल की गई सफलता। तो चले मिलते हैं मनोदा नवसूरी के इस काबिल नवयुवक से। मशहूर कवि अवन मेरेडिथ ने कहा है कि एक जीनियस वही करता है जिसकी आशा लोग रखते हैं, और एक गुणी व्यक्ति वही करता है जो उसे करना चाहिए। मनोदा नवसूरी के 22 वर्षीय रोहितेश चंद्रा एक साधारण जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। रोहिताश की पैदाइश मनोदा नवसूरी के स्क्वाटर सेटलमेंट में हुई और वहीं पर ये पले बड़े हुए। प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई इन्होंने सरस्वती मनोदा इंडियन स्कूल में की और हाई स्कूल की पढ़ाई सरस्वती कॉलेज में। बाद में इन्हें मल्टी एथनिक छात्रवृत्ति प्राप्त हुई, जिससे ये कंप्यूटिंग साइंस और इंजीनियरिंग में अपनी पढ़ाई करने में सफल हुए। फिलहाल ये यूनिवर्सिटी ऑफ फिजी में अपना मास्टर्स डिग्री कर रहे हैं। बचपन से ही ये कलात्मक दुनिया में खोए रहते थे और अपनी खाली समय में खिलौने, फेनिचा, धनुष, बाण इत्यादि बनाते बिताते थे। साथ ही ये पतंग को भी उड़ाया करते थे। इनका कहना है कि भले ही ये एक गरीब परिवार से है, फिर भी इन्होंने अपने बचपन के दिनों को बहुत ही सराहा है। रोहिताश की रुचि हमेशा से कलात्मक दुनिया में रही है, और मनोदा की शांत व खूबसूरत इलाका इन्हें कविताओं को लिखने में और प्रभावित किया। इसी इंटरेस्ट के द्वारा हमने एक कोरियन, हमारी एक मुलाकात कोरियन आर्टिस्ट से हुई, और उन्होंने हमें कुछ स्कल्पचर पेंटिंग सिखाया। और वो मैं फॉर्म सिक्स में था जब मैंने पेंटिंग स्टार्ट किया, और उसी वक्त से आई थिंक हमारा अंदर कला का एक उत्साह जागी। और मैंने एक मिस्टेक में एक पोएम लिखा, उसका नाम कलर्स था, द फर्स्ट पोएम, और उसे हमने अपने हाई स्कूल टीचर्स फ्रेंड्स को दिखाया, और वो अमेज्ड हो गए ना, वो खुश हो गए, और उन्होंने कहा कि आप लिखते ही जाओ। और उसी के बाद में हमने दो पीसेस लिखा, कैंडल लाइट इस बुक में है, और फाइनल थॉट्स बाय द सी, जो सरस्वती कॉलेज के मैगजीन में पब्लिश हुआ था। फिर उसके बाद में स्टडीज यूनिवर्सिटी लेवल पे शुरू हुआ लगभग आफ्टर फॉर्म सेवन, और वहाँ पर क्वाइट बिजी हो गए थे, बहुत सा काम था। कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग तो आप तो जानते ही होंगे, सब लोग जानते हैं, बहुत डिफ़िकल्ट एरिया है और उसमें बहुत ही मेहनत करना पड़ता है। बट हमने अपना जो ड्रीम है, लिखने का ड्रीम, कभी उसके बंद नहीं किया। अपना ड्रीम, अपना फोकस जो है, आई ऑलवेज हैड दैट, और जैसे जैसे मुझे वक्त मिलता था मैं लिखता था। बट उस समय मैं काफ़ी बीमार भी था, मुझे फूड एलर्जीज थी, डिप्रेशन, स्ट्रेस एंड ऑल दीज थिंग्स। बट जैसे जैसे मुझे वक्त मिलता था मैं न्यूज़ को देखता था, रीडिंग्स करता था, मुझे साइंस में, फिलोसफी में, साइंस एस्ट्रोनॉमी में कैसे सब चीज़ है, कैसे हाउ थिंग्स वर्क्स है ना, मुझे सब टाइम उसमें इंटरेस्ट है। और इस बुक में जब रीडर्स पढ़ेंगे तो वो जानेंगे कि मैं इसके ये क्या मीन कर रहा हूँ। इसमें एक चैप्टर है, इसका नाम है द साइंस एंड फिलोसफी ऑफ थिंग्स, और उस चैप्टर में मैं यूनिवर्स के बारे में बात कर रहा हूँ, हमारी ज़िंदगी के बारे में बात कर रहा हूँ, कैसे हमारा लाइफ है, हमारा क्या मकसद है जीने का, और ये सब चीज़ मैं इस चैप्टर में बात कर रहा हूँ। इनके अनुसार इनके माता जी का बहुत ही बड़ा सहयोग रहा है इनके सफलता के पीछे, और कहते हैं कि इरिगेशन रोड और लकेना इलाके के बहुत ही कम नौजवान हैं जो यूनिवर्सिटी तक अपनी पढ़ाई कर पाए हैं। एक किसान के बेटे होने के नाते ये मानते हैं कि ज़िंदगी में सफल होना आसान नहीं, क्योंकि एक किसान ही बतला सकता है कि वह कितने परेशानियों का सामना करके अपने बच्चों को पढ़ाता लिखाता है।
रोहिताशिया बतलाते हैं कि उनके इलाके के कई नवयुवक स्कूल छोड़ने के बाद सुपरमार्केट में काम करने चले जाते हैं या फिर गांव में घर घर जाकर घास काटते हैं। यहां तक खेलकूद जैसे सोका इत्यादि में ज्यादा रुचि रखने के कारण बच्चे पढ़ाई पर कम ध्यान देते हैं। मैं सोका वगैरह कभी कभी खेलता था, लेकिन अपना ज्यादा वक्त में अपने इन सारी चीज़ों में बिताता था ना, बिकॉज हम जानते थे कि हमें कुछ आगे बढ़ना है ना, कुछ करना है ना लाइफ में, इसीलिए मैंने ये बुक लिखा है। जो मेरा पहला बुक है उसका नाम है बेयर फुट ऑन सॉफ्ट रिवर सैंड, वो जनवरी 2006 में पब्लिश हुआ एक US के पब्लिशर के ज़रिए, वो इंटरनेट में अवेलेबल है amazon.com। रोहिताश की दूसरी किताब जिसका शीर्षक अ हॉट पॉट ऑफ रोस्टेड पोएम्स दिया गया है $10 में मिल सकता है। इस किताब में 60 कविताएं हैं। फिलहाल इस किताब की 1000 कॉपियां प्रकाशित की गई हैं। चंद्रा का कहना है कि इस किताब की रचनाएं व्यापक हैं। उनके अनुसार इस किताब की कुछ रचनाएं उनकी पहली किताब से ली गई हैं, जिसको इन्होंने स्थानीय लोगों साथ ही यहाँ की संस्कृति और सभ्यता को ध्यान में रखकर दोबारा लिखा है। आर्टिस्ट कभी सेटिस्फाइड नहीं होते ना अपने काम से। जैसे पेंटिंग एक आर्टिस्ट देखता है, फिर कुछ मिसिंग लगता है, वही रकम पोइट्री है, कोई भी पीस ऑफ राइटिंग है ना कुछ मिसिंग लगेगा आपको ना। कभी कभी आप जो फील करना करते हैं वो डिलीवर करना चाहते हैं, और उनके लिए ये जो पोइट्री है, मुझे तो ये बहुत मैथमेटिकल भी लग रहा है ना, क्योंकि आपको वर्ड्स अरेंज करना है, राइमिंग करना है, और एट द सेम टाइम आपको उसमें फीलिंग लानी है ना। तो इसीलिए आई थिंक पोइट्री इज सबसे सुपीरियर मीडियम है लिटरेचर का, है ना। ये तो काफ़ी एकेडेमिक एग्री करेंगे कि पोइट्री में एक जान है ना। हमारा जो रिलीजियस बुक्स है, ये देखो रामायण, ये कॉम्प्लेक्स ऑफ पोइट्री है, महाभारत काफ़ी पोइट्री फॉर्म में है ना, काफ़ी पुराने है, और पोइटिक वे में ये अपने फिलोसफीज दे रहे हैं ना। तो पोइट्री इज वन ऑफ द बेस्ट क्रिएशन है ना ऑफ मैन है ना। सिंस हम यहीं के हैं तो पोइट्री में थोड़ा यहाँ का फ्लेवर रहेगा ही ना। ये देखो मैं काफ़ी रेन में के बारे में लिखा हूँ, क्योंकि हमारे जो राइस फील्ड्स हैं यहाँ पर कितना वर्षा हो रहा है। फिजी में बहुत ही कम लेखक है, और रोहिताश का मानना है कि उभरते लेखकों को आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। यही एक खास वजह है जब इन्होंने इंटरनेट पर खुद एक वेबसाइट बनाया है। इस वेबसाइट का नाम www.bluefolkjournal है। फिजी में लोकल राइटर्स तो कम ही है, लेकिन यहाँ पर रीडर्स भी तो बहुत कम है ना। तो लिटरेचर आर्ट हमारे फिजी में आर्ट और लिटरेचर के लिए कोई एम्फेसिस है ही नहीं। हमारा जो हाई स्कूल्स है, प्राइमरी स्कूल्स है, इसमें आर्ट और लिटरेचर का तो सब्जेक्ट ही खास नहीं है ना। जो हमारा इंग्लिश देखे, लिटरेचर देखे, तो कितने तो स्कूल्स में पोइट्री स्किप हो जाता है, टीचर्स पढ़ा नहीं पाते हैं, क्योंकि करिकुलम में शायद उतना दिलचस्प पोइट्री ही नहीं है कि हमारे स्टूडेंट्स को उसमें इंटरेस्ट आए ना। तो यही हमारा मोटिव है ये बुक से, मैं कॉमन पीपल ये बुक पढ़े, उन्हें नॉलेज मिलेगा, कुछ आर्ट और लिटरेचर के बारे में उन्हें मिलेगा, और सेकेंडरी स्कूल्स प्राइमरी स्कूल्स में स्टूडेंट्स को पोइट्री में और दिलचस्प आएगा। और ये जो आर्ट और लिटरेचर आपने क्वेश्चन किया है फिजी में, इसीलिए मैंने फिजी के लिए एक लिटरेरी जर्नल लॉन्च किया है, उसका नाम है द ब्लू फॉग जर्नल। वो उसका इंटरनेट में एक वेबसाइट है bluefolkjournal.com। तो इसमें क्या है, वो वर्ल्ड वाइड और फिजी के लोग अपना जो पोएट्री है, शॉर्ट स्टोरीज है, वो सबमिट कर सकते हैं। तो दिसंबर 2006 लास्ट ईयर में मैंने एक इशू निकला है इसका, ये इंटरनेट में है। अब अगला इशू जुलाई में निकलेगा। इस इशू में तो लगभग 100 से ज़्यादा पोएट्स, राइटर्स, क्वाइट एस्टेब्लिश्ड राइटर्स US, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के एक आध है, और फिजी के तो एक डजन से कमती है, लेकिन कुछ है फिजी के राइटर्स इसमें, क्योंकि ये फिजी का लिटरेरी जर्नल है ना। हमारे पास एक को लिटरेरी जर्नल था ही नहीं जो हमारे राइटर्स के लिए यहाँ पर हमारे राइटर्स को इनकरेज करे ना।
तो इसके ज़रिए हमारे राइटर्स का जो वर्क है ओवरसीज में पढ़ा जाएगा और हम ओवरसीज के वर्क यहाँ पर पढ़ पाएंगे। रोहिताश ने अपनी आगे की जिंदगी के बारे में सोच रखा है और आज हमारे दर्शकों के लिए इस उभरते हुए कवि का यही संदेश है। इसके बाद में मैं एक नोवल लिखना, हमें एक नोवल लिखना है हमारे लाइफ के बारे में या तो कुछ भी हमारे लाइफ से जो एसोसिएट करता है। और मैं अभी तो हम सेटन नहीं है कि हम वो काम कर पाएंगे, लेकिन हम होप करते हैं। हमारे दोस्तों ने कहा है कि हम नोवल लिख लेंगे। बात यह है कि हमने जो एजुकेशन हमें मिली है लिटरेचर से, वो सिर्फ हाई स्कूल एजुकेशन है जो कॉमन है सबके पास। तो उसके बाद में हमने कुछ यूनिवर्सिटी में लिटरेचर का डिग्री नहीं किया है, लेकिन हमने अपने आप पर जाकर सब लगभग 20-30 अच्छे अच्छे पोएट्स के बुक्स पढ़े हैं यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी से बोरो कर करके। और उसके बाद में हमें पता लगा कि कैसे कैसे पोइट्री लिखा जाता है, कैसे कैसे सब्जेक्ट्स पे आप कमेंट करते हैं, और थ्रू पोइट्री यू कैन डू गिव योर मैसेज टू पीपल ना। तो हमारा मैसेज यंग पीपल के लिए मैं दूंगा भी और बड़ों और बूढ़ों के लिए भी दूंगा कि अपना ये जो लिटरेचर है, ये जो आर्ट है, ये हमें अच्छा बींग्स में शेप करते हैं ना। तो जितने हम आर्ट और लिटरेचर हिस्ट्री में इंटरेस्ट दिखाएंगे, जितने हम पढ़ेंगे, उतना हमारा नॉलेज है, विद्या है, बढ़ेगा, और उतने हम जानेंगे कि इस दुनिया में कैसे जातीय भेदभाव और छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को कैसे हम टेकल कर सकते हैं। और ये जो हमारे यंग जेनरेशन है, इन्हें स्पोर्ट्स में तो बहुत ही दिलचस्पी है, लेकिन यहाँ पर आप अगर अपना सभी ही वक्त स्पोर्ट्स में गुजार देंगे तो अपना पढ़ाई में आप क्या करेंगे ना। तो इंटरेस्ट रखिए, सब स्पोर्ट्स में भी रखिए, लेकिन आर्ट लिटरेचर और अपने पढ़ाई में भी इंटरेस्ट रखिए ना, क्योंकि हमारा देश में हमें कुछ करना है, हमें अपना देश को सुधारना है, यहाँ का इकोनॉमी हमें सुधारना है, जैसे कि हमारा देश में फैसिलिटीज रहे सबके लिए, यहाँ पर फैसिलिटीज रहे और हमारा देश बहुत अच्छा जगह रहे ना, जैसे दुनिया में हर एक जगह है। हम कहते हैं कि हमें ओवरसीज जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, लेकिन हमारा देश बहुत सुंदर है। तो लेट्स गेट टुगेदर, संग होकर हमें अपना देश अच्छा बनाना है, ये हमारा मैसेज है सभी के लिए। अंतराल के बाद हम भोजपुरी गीतों और नृत्य का मजा लेंगे। दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू इन पार्टनरशिप विद डीप पावर डिशवॉशिंग पेस्ट एंड गोल्डन हार्वेस्ट रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स।